बहुत ही दुखद है। ये PWD का, दिल्ली सरकार का ऑर्डर है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। स्थानीय लोगों को किसी तरह की पूर्व सूचना नहीं और इस तरह से मंदिर के ऊपर तोड़फोड़ बिना किसी सूचना के, बिना किसी आवश्यकता के, बिना किसी मजबूरी के, बिना स्टेक होल्डर से बात किए, हम इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को, उनकी सरकार को ये बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आतिशी मर्लिना ने साफ तौर पर कहा है कि ये अर्जी साहब के ऑर्डर पे हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो पूरा दिल्ली गवर्नमेंट का है ही नहीं, तो इसमें हम कहां से आते हैं। हमने तो डिसअप्रूव किया था मनीष सिसोदिया जी ने, यहां पर ये बीजेपी वालों ने जानबूझ के करवाया, और एक नहीं अभी तो 10 और मंदिर तोड़ेंगे ऐसे। नहीं, ये उनकी नीयत ही है मंदिर को तोड़ने की, उनको उनकी नीयत है, लेकिन ये उनका डिपार्टमेंट है, वो अपने डिपार्टमेंट से जवाब दें, और सबसे बड़ी बात है अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो इस्तीफा दें। तो आतिशी जी का जो बयान है वो गलत, उसको माना बिल्कुल गलत है, वो झूठ बोल रही हैं। एक तरफ से तोड़वाना है, दूसरी तरफ से आंसू बहाना है। दिल्ली की जनता ये घड़ियाली आंसू पहचान चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।